गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे तीन मेन पॉइंट डिस्कस करने वाली हूँ, जिसमें पहला पॉइंट है हमारे दांतों में कैविटी क्यों होती है, जिसे आप जनरल लैंग्वेज में कीड़ा लगना बोलते हैं। सेकंड, अगर हम उसमें फिलिंग ना करवाएं तो उसमें क्या होगा, प्लस अगर करवाते हैं तो उसका अप्रोक्सीमेटली कितना खर्चा होगा। और थर्ड पॉइंट, ये जो फिलिंग करवाते हैं ये कितने टाइम तक चलती है। दोस्तों, सबसे पहले हमारे दांत के स्ट्रक्चर देखिए। जो सबसे ऊपर की लेयर होती है वो इनेमल होती है। उसके बाद जो येलो कलर में शो हो रही है उसे हम कहते हैं डेंटिन, और सबसे अंदर होती है पल्प। पल्प को हम हिंदी में नसे कहते हैं। इन्हीं की वजह से हमें ठंडे और गर्म का अनुभव होता है। तो सबसे पहले ये खराब क्यों होते हैं, यानी कि हमारे दांतों में कीड़ा क्यों लगता है। दोस्तों, जब हम कोई भी खाना खाते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्टकी फूड खाते हैं, या फिर कार्बोहाइड्रेट जिनमें ज्यादा होती है, शुगर जिनमें ज्यादा होती है, ऐसे फूड जब हम खाते हैं तो हमारी ओरल कैविटी में जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो इन फूड को एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। और जो हमारी सबसे ऊपर की लेयर होती है इनेमल, ये बेसिक नेचर की होती है, और एसिड जो होता है वो बेस से रिएक्शन करके जो हमारे इनेमल के स्ट्रक्चर होते हैं उसको खराब करता जाता है, जिसकी वजह से इनेमल खराब होने लगती है। और प्लस इसका जो कलर है वो ब्लैक होने लगता है, जिसे आप जनरल लैंग्वेज में कीड़ा लगना बोलते हैं। दोस्तों, अब यहाँ पॉइंट आता है, हमें फिलिंग करवाने की जरूरत क्यों होती है। अगर कैविटी इतनी हुई है कि सिर्फ इनेमल का स्ट्रक्चर खराब हुआ है तो इसमें आपको ज्यादा कुछ फील नहीं होगा। अगर डेंटिन की लेयर थोड़ी खराब होने लग जाती है तब आपको ठंडा गर्म का एहसास होने लग जाता है। उसके बाद अगर तब भी आप फिलिंग नहीं करवाना चाहते हैं तो ये इन्फेक्शन पल्प यानी नसों तक चला जाता है। उसके बाद आपको पेन फील होने लगता है। नॉर्मल कंडीशन में भी अगर आप नॉर्मल खाना खाते हैं तब भी आपको पेन फील होने लग जाता है। तो अगर आपके दांतों में छोटी सी भी कैविटी है, अगर आप उसी टाइम पे ठीक करवा लेते हैं तो आपको आरसीटी की जरूरत नहीं पड़ती। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है फिलिंग करवाना, उसका क्या प्रोसीजर्स होता है, प्लस उसका अप्रोक्सीमेटली कितना खर्चा आता है। तो सबसे पहले प्रोसीजर्स देखिए। जो भी आपका डिकेड पार्ट है, यानी कि जो तना खराब हो गया है, उसे ड्रिल करके निकाल दिया जाता है और उसकी जगह दांत की सेम कलर का कोई भी फिलिंग मटेरियल डाल दिया जाता है। एक होती है गोल्ड की फिलिंग, जो सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव होती है। दूसरी होती है सिल्वर अलगम फिलिंग, ये बेसिकली चांदी के कलर के जैसी होती है। इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, पर इसमें एक परेशानी आती है, इसका कलर दांतों के कलर के जैसा नहीं रहता। और उसके बाद थर्ड होती है GIC, यह बहुत अच्छा फिलिंग मटेरियल माना जाता है, पर इसमें प्रॉब्लम ये होती है, इसमें शेड्स नहीं होती। सभी पेशेंट के दांत की शेड्स अलग अलग होती है, तो अलग अलग के हिसाब से कोई भी शेड्स GIC में नहीं होती है, एक ही कलर होता है। उसके बाद फोर्थ होती है कंपोजिट फिलिंग, जो फिलिंग में सबसे ज्यादा यूज होती है। तो इनकी अगर कॉस्ट के हिसाब से बात करें तो सिल्वर अलगम की अगर हम नॉर्मल फिलिंग करवाते हैं तो वो 800 से 1000 के आसपास पड़ती है। उसके बाद GIC की फिलिंग 500 रुपए से 1000 के बीच में होती है, और उसके बाद कंपोजिट फिलिंग जो होती है वो 700 से लेकर 1500 तक के बीच होती है। उसके बाद लास्ट है जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, फिलिंग कितने टाइम तक चलती है। दोस्तों, ये जनरली 7 से 8 साल तक भी चल जाती है, और बेसिकली ये सबसे ज्यादा डिपेंड करती है आप अपनी ओरल कैविटी की कितनी ज्यादा साफ सफाई रखते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।